तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा पेटीएम अकाउंट पे कैसे पैसा ऐड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कोई सा भी डेबिट कार्ड से, ठीक है, ये सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा मोबाइल का होम पेज पर आ जाना है। सिंपल सा होम पेज पे आ जाने के बाद हमें पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से सिंपल सा मेरा जो पेटीएम एप्लीकेशन में इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ये पेटीएम एप्लीकेशन क्रिएट किया था, ठीक है। तो अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं ये वीडियो जानना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सिंपल सा यहाँ पर से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमारे सामने पेटीएम का जो होम पेज है वो आ गया है, ठीक है। तो अब मैं ये जो अकाउंट पे आपका पैसा ऐड करके दिखाऊंगा, ये मेरा केवाईसी वाला अकाउंट है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है इसमें मैं ऑलरेडी इसके पहले केवाईसी कर लिया है, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे पेटीएम का जो वॉलेट है उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका कोई सा भी एक बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है, ओके। और वो जो डेबिट कार्ड आपके पास होगा उसमें कोई सा भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो मैं आज आपको जो बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करके दिखाऊंगा वो मेरा दूसरा एक पेटीएम अकाउंट का पेटीएम का डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा पेटीएम का जो पेटीएम बैंक वाला ऑप्शन है इसमें चले आएंगे। और तो फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा मोबाइल पे आ जाना पड़ा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। सेफ्टी के रिगार्डिंग ये जो पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं करता, ठीक है। तो अब मुझे दूसरा मोबाइल से वीडियो करना पड़ रहा है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दे के देखिए तो आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से सिंपल सा पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए हमें एक पासकोड एंटर करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल सा पासकोड को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो सिंपल सा पासकोड को यहाँ पे एंटर करने के बाद हमारे पास पेटीएम का पेमेंट्स बैंक का जो होम पेज है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेटीएम का सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, उसमें अभी मेरा 128 रुपीज है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर टैप कर देना पड़ेगा, ये जो सेविंग्स अकाउंट बोल के है यहाँ पर सिंपल सा टैप कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा दूसरा जो पेटीएम का एटीएम कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड जो है, आपका कोई सा भी पेटीएम का या दूसरा कोई बैंक का डेबिट कार्ड होगा तो यहाँ पर आप पैसा ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा मेरा दूसरा एक पेटीएम का एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड दे के यह मैं 100 रुपीज ऐड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का जो भी होम पेज है वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेमेंट जो हिस्ट्री है उसको भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर से कैश विथड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो अभी एक नहीं करना है, इसमें मुझे सेव अभी एड मनी करना है, ठीक है। तो सिंपल सा पहला में जो ऑप्शन है वो है एड मनी, तो सिंपल सा एड मनी पे हमको टैप कर देना है। तो एड मनी पे हम जैसे ही टैप करेंगे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हमारा जो भी अमाउंट ऐड करना है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो चलिए एंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो एड मनी वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हम सिंपल सा अमाउंट के घर में 100 रुपीज लिख के थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो अकाउंट है इसमें अभी 100 रुपीज ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ से दो नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रुपे डेबिट कार्ड, ओके। तो मैं इसमें सिंपल सा टैप कर दूंगा।
तो इसके बाद हमको एक पॉपअप शो होगा। तो ये जो पॉपअप है यहाँ पे हमको हमारा जो भी एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है उसका कार्ड डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी नंबर यहाँ पे हमको एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो सिंपल सा ये जो कार्ड डिटेल्स है ये यहाँ पे फिल करने के बाद हमें नीचे की तरफ एक चेक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे हमको बोल रहा है कि ये जो कार्ड डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल किया है क्या हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं। अगर हम इसको सेव करके रखेंगे तो इसके बाद हम जब भी ये जो कार्ड है इसके द्वारा अगर हम ये पेटीएम अकाउंट पे पैसा ऐड करना चाहे तो हमको दूसरी बार कोई भी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास शो होने लग जाएगा। तो मैं सिंपल सा इसको चेकबॉक्स के ऊपर टिक कर दूंगा। ठीक है, चेकबॉक्स में मैं टिक कर दूंगा और उसके नीचे प्रोसीड सिक्योरली इस पर टैप कर दूंगा। तो जैसे ही टैप करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ओके, और एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, तो अगर नेटवर्क का कोई भी इशू है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बैक नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पर से बैक करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा और वो सिंपल सा प्रोसेसिंग में रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लोडिंग लेता है, आप देखते रहिए, मैं इसको पॉज नहीं करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो भी अकाउंट है उसमें एक ओटीपी गया है। ठीक है, तो सिंपल सा वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो एक बार पे ही ओटीपी आ गया है। ठीक है, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप सिंपल सा रिसेंट ओटीपी पे टैप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये जो सबमिट वाला बटन है इसमें टैप कर देंगे। टैप करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लोडिंग लेता है। यहाँ पर से आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप यहाँ पर से कभी भी बैक नहीं होंगे, बैक होंगे तो आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकती है कि मेरे पास एक पॉपअप शो हो रहा है कि 100 रुपीज इज सक्सेसफुली एडेड इन माई पेटीएम का अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और मैं कहाँ पर से ये जो पैसा ऐड किया है उसका भी यहाँ पे कार्ड नंबर एंड कार्ड डिटेल्स शो होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसा ऐड हो गया है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर से बैक हो जाएंगे अभी। तो सिंपल सा बैक हो जाएंगे, बैक हो जाने के बाद हम यहाँ पर से पेटीएम अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमारा ये जो वीडियो था, ठीक है, इसका मोटिव था कि आप कैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सिर्फ कोई सा भी एक डेबिट कार्ड के द्वारा पैसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो के बाद आपका जो भी डेबिट कार्ड है उसके द्वारा आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा तुरंत ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो वीडियो है उसका कमेंट बॉक्स पे आके आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारा ये जो वीडियो है इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करना। ठीक है।